हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हम आज करेंगे व्याकरण का पाठ नंबर 7, जिसका नाम है संज्ञा। बच्चों, आपको पता होना चाहिए संज्ञा क्या होता है। आपको संज्ञा के बारे में बताती हूँ। पहले, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, जाति का, नाम, किसी भी भाव का नाम है, तो हमारे आसपास जितने भी नाम वाले शब्द हैं उन सबको संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, आपको छोटी सी भाषा में समझा देती हूँ मैं। जो ये नाम वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे क्या हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा। अब हम इसके आगे परिभाषा करते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। संज्ञा यहाँ लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ, जैसे नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको भी समझाया कि हमारे आसपास जितने भी नाम वाले शब्द हैं सारे संज्ञा कहलाते हैं। यह छवि है, छवि बाजार में है। यहाँ देखो बच्चों, जो ये डार्क वाले शब्द हैं ये सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है, और अपने फिंगर वर्ड पे रखनी है। वह उपहार खरीद रही है, उसके हाथ में थैला है, उसे बंटी के जन्मदिन पर जाना है, उसकी बंटी से मित्रता है। आपने पढ़ा कि ऊपर अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान और भाव के नाम आए हैं। व्यक्ति जैसे आए हैं यहाँ पे, छवि, बंटी, वस्तु आई है उपहार और थैला, स्थान आया है बाजार, भाव आए हैं मित्रता। ये जो ये शब्द आए हैं ये सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। ठीक है, ये सभी शब्द संज्ञा हैं। तो इससे हम संज्ञा के परिभाषा क्या बनाएंगे? अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारी संज्ञा की परिभाषा निकलती है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आपने ये बार बार पढ़ना है जिससे आपको संज्ञा की परिभाषा याद हो जाएगी और समझ आ जाएगी संज्ञा क्या होती है। ठीक है, अब आगे करते हैं पेज नंबर 26 पे। नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम। यहाँ पे व्यक्तियों के नाम सबके अलग अलग होते हैं। माधवी, मानव, चिंकी, ये सारे क्या हैं? व्यक्तियों के नाम हैं, ये हैं संज्ञा हैं। फिर प्राणियों के नाम हैं आगे दिए हुए हैं इन्होंने, जैसे शेर, हाथी, हिरण, ये क्या है? प्राणियों के नाम, ये भी क्या है? संज्ञा है। फिर आगे वस्तुओं के नाम दिए हैं, कुर्सी, मेज, पुस्तक, ये भी क्या है? संज्ञा है। फिर हैं फलों के नाम, सेब, केला, पपीता, ये भी क्या है? फलों के नाम हैं, तो ये भी क्या है? हमारे संज्ञा है। फिर आगे पेज नंबर 27 पे सब्जियों के नाम दिए हैं, मटर, आलू, टमाटर, ये सारे क्या हैं? ये भी संज्ञा हैं। फिर फलों के नाम दिए हैं यहाँ पे, फलों के नाम में गुलाब है, गेंदा है, कमल है, ये भी क्या हैं? फलों के नाम हैं, तो ये है संज्ञा है ये भी। फिर है भवनों के नाम, भवनों के नाम दिए यहाँ पे, लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम, ये भी क्या है? स्थान है, स्थान का नाम है, तो ये भी हमारी क्या है? संज्ञा है। फिर आगे भावों के नाम दिए हैं, भाव, प्रसन्नता, शत्रुता, मित्रता, ये क्या है? भाव हैं, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। ये सारे, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। ये जो सारे क्या हैं? ये संज्ञा के शब्द हैं। व्यक्तियों का नाम, वस्तुओं का नाम, स्थान का नाम, जाति का नाम, भाव का नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, हमारे आसपास बच्चों जितनी भी चीज़ें हैं,
जितनी भी वस्तुओं के, चीज़ों के, भाव के, स्थान के नाम हैं, जो सबके नामों को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा संज्ञा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी भाव का नाम, किसी भी फल का नाम, किसी भी सब्जी का नाम, किसी भी रंग का नाम, ठीक है, किसी भी पशु या पक्षी का नाम, सबके नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। यहाँ पे जैसे सबके अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं, ये आप में अच्छे से पढ़ने हैं, याद करने हैं। व्यक्ति का नाम भी दिया है, वस्तुओं का नाम दिया है, पक्षियों का नाम दिया है, पशुओं का नाम दिया है, फलों का, सब्जियों का, भाव का, ये सारे क्या हैं, हमारे संज्ञा हैं। फिर आगे करते हैं अब इनका अभ्यास। बच्चों आपको संज्ञा के परिभाषा समझ आ गई है, संज्ञा के परिभाषा और यहाँ पे उदाहरण अच्छे से समझाए गए हैं, संज्ञा क्या होती है और उसके उदाहरण भी दिए गए हैं। अब हमने क्या पढ़ा है आप, हम देखते हैं, अभ्यास करते हैं। सही उत्तर पर हमने टिक का निशान लगाना है। संज्ञा का अर्थ है, संज्ञा का अर्थ है, क्या अर्थ होता है, नाम या काम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है, नाम, तो नाम पे अब क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। फिर अब व्यक्ति और स्थान के नाम को कहते हैं, व्यक्ति और स्थान के नाम को क्या कहते हैं बच्चों, अभी समझाया था, व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा को हम टिक मार्क कर देंगे। फिर आगे करते हैं ग पार्ट। प्राणी और वस्तु आदि के नाम भी संज्ञा है, क्या प्राणी और वस्तुओं के नाम भी संज्ञा है, बताओ बच्चों, हाँ है, तो हम हाँ पे टिक मार्क कर देंगे, क्योंकि हमें पता है संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, वस्तु आदि का नाम संज्ञा है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं ये सारी क्या हैं, संज्ञा हैं। फिर आगे क्रियात्मक कौशल दिया गया है, चित्र देखकर नाम लिखने हैं, बच्चों चित्र देखकर इनके नाम लिखने हैं। जैसे ये किसकी फोटो है, ये बिल्ली की, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, बिल्ली, ये क्या है, गुल्फी, ये क्या है, पतंग, और ये क्या है, पलंग, ठीक है। आगे है संज्ञा शब्दों पर गोला बनाइए, हमने संज्ञा शब्द छांटने हैं और उन पे गोला लगाना है। राजा, साबुन, देश, आम, नमक, मिर्च, मिठाई, रुमाल, ये क्या है, किन्हीं वस्तुओं के, चीज़ों के नाम है ये, तो ये क्या है, हमारी संज्ञा है, ठीक है, क्या है ये, संज्ञा। तो बच्चों आपने ये बहुत अच्छे से लिखने भी हैं अपनी बुक में और इनको अच्छे से याद भी करना है कि संज्ञा क्या होती है, और संज्ञा के ये जो इतने उदाहरण दिए गए हैं इनको भी आपने अच्छे से याद करना है और इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। संज्ञा क्या होती है एक बार और मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों आपने ये लाइन बहुत अच्छे से याद करनी है और इसको लिख के भी देखना है आपने, ठीक है, अलग से एक कॉपी पे आपने इसको याद करके इसको लिख के भी देखना है कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपने बार बार लिख के देखना है और इसको अच्छे से याद करना है, फिर आगे इसके उदाहरण भी करने हैं आपने ना याद, जैसे एक दो व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, ये फूलों के नाम, भवनों के नाम और भावों के नाम, इनके भावों, ये सारे एक एक दो दो नाम याद भी करने हैं और इनको याद करके लिख के देखना है, ठीक है। धन्यवाद।